इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान शुरू हो रहा है T20I श्रृंखला। पहले T20I के लिए कौन होंगी आपके डिफरेंशियल पिक्स, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको जिता सकते हैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज द फैंटेसी गली शो। बात होगी आज अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट T20I बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। ओडीआई सीरीज हमने देखा कि व्हाइट वॉश हो गए, लेकिन क्या पाकिस्तान एक बेटर कॉन्टेस्ट दे पाएगा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में, और क्या आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो आपको हेड टू हेड और ग्रैंड लीग इन सारे कॉन्टेस्ट में आपको जीत दिला सकते हैं, ये सारे सवाल का जवाब देंगे। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप किसको रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर मैच के बारे में। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ये जो फैंटेसी क्रिकेट का पूरा यूनिवर्स है ये समाया हुआ है फैंटेसी गली में, तो आपको सारे मैचेस मिल जाते हैं, सारे कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं, और तो और टॉस के बाद आपको 10 टीम कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। बहरहाल बात हो रही है पहले T20I की। जी देखिए, मैच है यहाँ पे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम में। माना जाता है कि विथ शॉर्टर स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे बहुत सारे रन बनेंगे, और अगर यही हम सोच के चले तो आइए देखते हैं जो फैंटेसी गली का बेस्ट 11 है वो क्या सजेस्ट करता है। देखिए स्ट्रेट अवे दोनों कीपर, दोनों का बेहतरीन बल्लेबाजी के ऑप्शंस हैं। चार बल्लेबाज जिसकी हम बात कर रहे थे, एक ही ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन को कंसीडर किया जा रहा है, और यहाँ पे चार बॉलर हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे लेट्स लुक एट द कीपिंग ऑप्शंस। पहली बात तो जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, बड़ा रेस्ट करके अभी आ रहे हैं जॉश बटलर, एंड ही विल बी हंग्री फॉर अ लॉट ऑफ रन। 9.5 की क्रेडिट है, आप देख सके 8.7 की फैंटेसी गली रेटिंग है, जो कि बताता है कि कितने क्लास प्लेयर हैं जॉश बटलर, इनको तो आप पिक कर ही सकते हैं। इनके साथ साथ जो पाकिस्तानी विकेट कीपिंग ऑप्शन है, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने, थर्ड ओडीआई में भी 70 रन बनाए और 70 प्लस बनाए उन्होंने, बाबर आजम का बेहतरीन साथ दिया, 8.8 के फैंटेसी गली रेटिंग वाले प्लेयर मोहम्मद रिजवान। तो देखिए अगर आप नॉटिंगहम में खेल रहे हैं जहां पे दोनों टीम के ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज हैं दोनों आपको रन्स बना के देंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप दो कीपर लेके जाएं। ऐसी ही एनालिसिस हम आपको प्रॉमिस करते हैं फैंटेसी गली पे, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं इस वीडियो को आप जहां देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए बल्लेबाजों की ओर रुक करते हैं, और काफी ऑब्वियस है जो पहले दो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कैप्टन सजेस्ट किए जा रहे हैं आपके सेफ टीम के लिए, और लाजमी है क्योंकि अभी अभी 100 बना के आए हैं 50 ओवर क्रिकेट में, थर्ड ओडीआई में बाबर आजम, फैंटेसी गली रेटिंग ऑफ 9-10 क्रेडिट वाले प्लेयर हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी उतनी है कि सिंगल हैंडेडली ये आपको पॉइंट दे सकते हैं। एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स ऑफ 55 इन दिस फॉर्मेट, क्योंकि इनका जो पाकिस्तान सुपर लीग था ये भी बेहतरीन रहा था। मीडियम टू हाई एक्सपेक्टर वाले प्लेयर हैं, इसका मतलब ये कि जिस दिन चल गए तो ये आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट भी है ये बहुत, और कंसिस्टेंसी जो इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको डेविड मलान से। ओडीआई में तो इनको राइट एट द टॉप यूज किया, नाउ अगर इनके पास बटलर वाला ऑप्शन है तो शायद मलान नंबर 3 के लिए, जो इनका एक प्रिफर्ड मोड ऑफ अटैक रहा है वहां पे तो बहुत सक्सेसफुल हैं डेविड मलान। तो स्ट्रेट अवे बाबर आजम, डेविड मलान, इनको तो आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्रोफेसर की बात करें, मोहम्मद हफीज इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट यूटिलिटी क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान से आए हैं, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी करियर ग्राफ ऊपर उठाई है, फैंटेसी क्रिकेट में आपकी करियर ग्राफ ऐसे तभी जा पाएगी जब आप फैंटेसी गली को फॉलो करेंगे। तो चलिए ऐप हमारा आप वेबसाइट से तो डाउनलोड कर ही लेंगे, लेकिन यूट्यूब पे ये सारी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी मोहम्मद हफीज के बारे में कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वी में खेलते हैं, सीधा बेहतरीन मारते हैं, स्पिन के अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खतरनाक बल्लेबाज है, और तो और यहाँ पे एज अ बल्लेबाज स्लॉट इन हुए, लेकिन इनकी बॉलिंग को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं।
हो सकता है, ये बस प्रेडिक्शन की बात है, हो सकता है इनको एक आध ओवर मिल भी जाए, सेफ हैंड्स है तो ये आपको पॉइंट्स दे ही सकते हैं। मोहम्मद हफीज इनके साथ जो यहां पे एक प्लेयर लेके आ रहे हैं हम, ये ग्रैंड लीग में आपको बेहतरीन पॉइंट्स दे सकता है। जी हाँ, ग्रैंड लीग में अगर आप खेल रहे हैं तो शर्जील खान का नाम, रिमेंबर द नेम है आपके लिए। 7.8 की फैंटेसी गली रेटिंग है, 35 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज। एक्स फैक्टर देखिए यहां पे रिलेटिवली लो है, क्योंकि जिस तरह से प्लेयर ये है, शर्जील खान के बारे में आपको मैं एक चीज बता दूं कि शर्जील खान कुछ दिन पहले काफी अनफिट थे, वेरी हैवी अपर बॉडी था उनको, फिर उनको जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान में वहां पे उनको ट्रेन किया गया, थोड़ा इनको लीन किया गया, और फिर ये फिर पाकिस्तान सुपर लीग में वापस आए, वहां पे इन्होंने थोड़े बहुत एक आध अच्छे नॉक्स खेले, लेकिन ही हैजंट गॉन ऑन टू स्कोर बिग। इसीलिए आप देख सकते हैं इनकी जो एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है वो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एबिलिटी की बात करें तो शर्जील खान बहुत आगे हैं यार। क्लीन, बहुत ही क्लीन स्ट्राइक करते हैं, पावर प्ले से अगर वो खेल जाते हैं, कटर पुल पे बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये कि जो शॉर्टर स्क्वायर बाउंड्रीज की हम बात कर रहे हैं उसको भली भांति यूज कर सकते हैं शर्जील खान। तो ये अगर आप ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तो शर्जील खान को आप मिस ना करें, डेफिनेटली लें। एक ही ऑलराउंडर सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे जो है लियम लिविंगस्टोन। इन्होंने हाल ही में बताया कि इनकी जो एपिटाइट है इंग्लैंड व्हाइट बॉल सेटअप में रहने की वो बहुत ज्यादा है। बार बार हम कहते आ रहे हैं कि अगर आप जो लैंकेशायर की टीम फॉलो कर रहे होंगे, जो T20 ब्लास्ट कंपटीशन है इंग्लैंड में जाके, वहां पे लियम लिविंगस्टोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है लैंकेशायर के लिए, और जब तक इनकी बॉलिंग की एबिलिटीज की बात की जाए तो अब धीरे धीरे इंग्लैंड उनको ट्रस्ट कर रहा है, एक आध ओवर दो तीन ओवर उनको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको पॉइंट देने के भी चांसेस है, लेकिन क्विकली अगर लिविंगस्टोन जैसा नाम आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको बस जाना है यहाँ पे एडिट टीम में और देखना है कि बाकी ऑलराउंडर ऑप्शंस कौन है आपके पास। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है इनमें, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। ये देखिए लुइस ग्रेगरी जो है वो इनफॉर्म है, तो इनको अगर इंग्लैंड पिक करती है ऑब्वियसली इन्होंने जितनी अच्छी परफॉर्म की व्हाइट बॉल 50 ओवर क्रिकेट में उसी का इनको रिवॉर्ड मिला और इनको अभी T20 क्रिकेट में मिल गया है मौका। लेकिन लुइस ग्रेगरी की बात करें तो ये एक सेफ पिक अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए तो फिर नो, डोंट लुक एनी मोर फर्दर देन मोइन अली। देखिए 8.5 की क्रेडिट है, 7.1 की फैंटेसी गली रेटिंग है, एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स लीनिंग टुवर्ड्स हाई है, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, हमें पता है व्हाट कैन डू विद द बॉल। जब ये इनको ओडीआई में मौका भी मिला था श्रीलंका के अगेंस्ट तो इन्होंने विकेट भी लिए थे, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में थोड़े बहुत लेफ्ट हैंडर्स होंगे तो शायद ऑफ स्पिनर ये आपको थोड़े पॉइंट दे सकते हैं। पॉइंट्स आपको बॉल और बैट से इमाद वसीम भी दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है मुझे नहीं पता कि ये कितने आपको सेफ या रिस्की हो सकते हैं। अगर ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तो मे बी, जस्ट मे बी, यू कैन ट्राई योर लक, लेकिन अगर एक और सेफ पिक के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली शादाब खान इसीलिए क्योंकि एक तो विकेट लेते आ रहे हैं और इनके ऊपर एक्चुअली प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पे मिसबा ने काफी अनफॉर्चुनेट बोला कि उनके जो दो ऑलराउंडर्स है, जो फहीम अशरफ शादाब खान है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। इसका मतलब टीम मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी बहुत बात जरूर हुई है कि शादाब, वी वॉन्ट मोर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, एंड यू नो वॉट मोर परफॉर्मेंस मीन्स, राइट? मोर परफॉर्मेंस मीन्स मोर पॉइंट्स फॉर यू पीपल। तो आप अगर इनको लें और ये अपना कमबैक करें बल्लेबाजी और गेंदबाजी में आपको पॉइंट्स दे, तो ये आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं इवन इन हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। बस आपको एक चीज देखनी है कि क्रेडिट्स का, लेकिन ये सब के बारे में आपको सोचना नहीं है, बस ये इन आउट फीचर आपको यूज करना है यहाँ जाके, और यहाँ पे उनको शादाब को आप गेट न्यू 11 में करेंगे तो वो आपकी टीम में आ जाएंगे। ये देखिए हमने उनको इन किया और ये देखिए दो ऑलराउंडर्स बन गए आपके। लेकिन मैं फिर से जाऊंगा जो बेस्ट 11 थी उसी पे, और देखना चाहूंगा कि वहां पे जो हमारे बोलर्स हैं वो कौन है इस पर्टिकुलर फिक्स्चर के लिए, ये जरूर देख लेते हैं। जी हाँ, इंग्लैंड पाकिस्तान पे वापस आ गए हम। जी हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल जो बेस्ट 11 हमारी फोकस कर रही है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है तीन पेसर्स का ऑप्शन है और उनमें से एक पेसर तो एकदम बनता ही है, और अभी फिलहाल 8.5 की क्रेडिट है। मैं कहता हूं कि ये प्लेयर जितना भी खेलेगा इसकी क्रेडिट बढ़ती जाएगी, इसके स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे,
साकिब महमूद की बात कर रहे हैं। साकिब महमूद के बारे में शोएब अख्तर ने एक बेहतरीन बात कही उनके ब्लॉग पे, बोला कि साकिब महमूद के पास वो हंगर है ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की, और ऐसा ही क्रिकेटर, ऐसा ही प्लेयर आपको अपनी फैंटेसी क्रिकेट में कंसिडर करना चाहिए। बेस बॉलिंग ऑप्शन है, नया बॉल बेहतरीन डालते हैं, और तो और डेथ पे भी ये अपना कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक डिफरेंशियल पिक अगर पाकिस्तान इसको यूज करता है, अगर वो दूसरा लेग स्पिनर खिलाते हैं तो किसको खिलाएंगे? जी हाँ, ये खिलाएंगे इनको उस्मान कादिर को। उस्मान कादिर ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम अ ग्रेट लीनिएज ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग। इनके जो वालिद थे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, अब्दुल कादिर ऑफ कोर्स, और उन्होंने बहुत सारे विकेट लिए थे। लेकिन उस्मान कादिर की बात करते हैं, उस्मान कादिर बेहतरीन गुगली करते हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खतरनाक परफॉर्मेंस थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत उनको मौका मिला था, लेकिन एक असल टेस्ट होगा यहाँ पे नॉटिंगहम में, और अगर इंग्लैंड आउट राइट फ्रॉम द वर्ल्ड को इनको अटैक करती है तो हो सकता है इनको मौके मिल सकते हैं पॉइंट्स देने के। रिमेंबर कि आपको हेडन वॉल्स जूनियर जो है वेस्ट इंडीज के लिए लेग स्पिन करके कितनी अच्छी पॉइंट्स दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि उस्मान कादिर भी सेम चीज करे आपके लिए। जो एक बॉलर जिनके आगे आग लगी हुई है उनके फॉर्म को दिखाते हुए, ही इज राइट ऑन फॉर्म, ही इज ऑन फायर, वो है हसन अली। 5 विकेट लिए थे इन्होंने सेकेंड ओडीआई में, लेकिन ऑब्वियसली थर्ड ओडीआई में ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। लेकिन हसन अली आपको बल्लेबाजी में भी पॉइंट्स दे सकते हैं। याद करें आप जिस गेम सेकंड गेम में इन्होंने विकेट लिए थे, और वहां पे जब साउथ शकील दूसरे एंड पे बल्लेबाजी कर रहे थे तो हसन अली आए और पार्किंसन को छक्के पे छक्का लगाया, और इन नो टाइम उन्होंने 20-30 रन कर दी। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं हसन अली तो ये आपको दोनों तरफा आपको पॉइंट दे सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं तो फास्ट बॉलर स्पिनर्स को उन्हीं को ले जो आपको बल्लेबाजी में थोड़ा सा पॉइंट दे सके, और हसन अली इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। चलिए बात करते हैं डेविड विली के बारे में। इनके बारे में हम इसलिए बात करें कि नया बॉल बेहतरीन तरीके से स्विंग करते हैं, और तो और इनके पास भी वही एबिलिटी है जो हसन अली के पास है, शायद ये इनसे बेटर बल्लेबाज है। डेविड वली अगर चाहे तो ये फिनिश भी अच्छा कर सकते हैं। दो इंग्लैंड के पास बहुत सारी बैटिंग है, हो सकता है इनकी बैटिंग नहीं है, लेकिन दिस इज अ फनी गेम, हो सकता है कि इनको मौका मिले और ये आपको बल्लेबाजी में भी पॉइंट दे सकते हैं। चलिए ये हो गए हमारी जो बेस्ट 11। इससे पहले हम कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पे सजेस्ट कर ले, एक और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो भी हमारे भाई बहन फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए ये है कि ऐसी एनालिसिस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप ढूंढेंगे बत्ती लगा के भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगी। हर जगह लोग क्लेम करते हैं कि हम आपको ये लीग जिता देंगे, वो लीग जिता देंगे, वो सब आप सुने नहीं, एक कान से सुने और दूसरे कान से उसको निकाल दें। असली एनालिसिस, अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस कहां मिलती है? सिर्फ फैंटेसी गली पे मिलती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस है। T20 क्रिकेट में ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके पास रहे जो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देके दे। इसीलिए यहाँ पे जो आप पहले के चार ऑप्शन देख रहे हैं, बाबर आजम की बात की जाए, डेविड मलान की बात की जाए, मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, या जोश बटलर की बात की जाए, ये चारे के चारों जो हैं वो अप दी ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं। और अगर आप ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हैं तो और आपको डेफिनेटली इन पे तो पंट लेना ही चाहिए। सेफ टीम की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली बाबर आजम एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनको पता है कि कैप्टेंसी है और ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उस्मान कादिर यहाँ पे फीचर करते हैं क्योंकि हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि जो मिस्ट्री, जो लेग ब्रेक, जो गाइल है, जो फ्लाइट है, वो उस्मान कादिर आपको दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो फैंटेसी क्रिकेट में किस्मत है वो भी फ्लाई करे उस्मान कादिर के साथ, यही तो हम होप कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी एनालिसिस फैंटेसी गली की जो एल्गोरिथम है उसको यूज करे और अपनी अकल ऑन करे। ये तीन चीज अगर आप यूज करते हैं तो आप तीनों स्टंप्स उखाड़ लेंगे जो फैंटेसी क्रिकेट की है, और आपको विनिंग्स पे विनिंग्स कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी। चलिए ये थी अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस इस पर्टिकुलर मैच के लिए। बाकी सारी जो दुनिया भर की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट की, हम चाहते हैं कि उसकी एनालिसिस भी आपको यूट्यूब पे जरूर मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बार बार हम आपको यही कहते हैं। चलिए अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, आज मेरे साथ कार्तिक थे नहीं जरूर, लेकिन शायद अगली बार वो भी आपके साथ होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन फ्रॉम बाबशीश एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम, विशिंग यू गुड लक फॉर दिस पर्टिकुलर गेम एंड अ गुड बाय।